आपे भी भेज दिया पैसे। मम्मी खबरदार भाई, अगर आपने मम्मी को हाथ लगाया तो सर मानी चाहिए भाई आपको। यहाँ मम्मी 3 दिन से बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है और आप लड़कियों को पैसे भेज रहे हो। छी, मुझे माफ कर दे कोमल, प्लीज एले पैसे और मम्मी को दवाई दिला देना, मुझे माफ कर दे। शायद मुझे और पैसे उनको दे देने चाहिए। मम्मी जल्दी चलो वरना दारू का ठेका बंद हो जाएगा। बेबी पहचानो, मैं कौन? मनोज? नहीं। कमल? नहीं। राजीव? नहीं। तू कौन हो? मैं सुमित हूँ। अच्छा बेबी, अच्छा बेबी एक बात बताओ। क्या? सुमित शर्मा हो या सुमित ठाकुर हो? अरे सुन, मान ले तेरे को बहुत तेज की भूख लगी है और इधर 1 किलोमीटर पे खिचड़ी बट रही है और इधर 5 किलोमीटर पे गोलगप्पे। अरे सुन तो सही, मैंने कहा मान ले। अरे सुन तो सही, ओ सुन ले। चलो उठो रे, पार्क में बैठना मना है। सर हम दोनों शादीशुदा है। तो घर पे बैठो ना। सर इसका पति नहीं मानेगा ना। हेलो, वो आंटी ने कुछ सामान मंगवाया था। अरे ये तो पठान साहब के लड़के। जी आंटी। वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, आओ अंदर आओ। बेटा पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ लोगे? नहीं आंटी कुछ नहीं। बेटा इसे अपना ही घर समझो, बोलो क्या चाहिए। अच्छा आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो आपकी बेटी दे दो। एक्सक्यूज मी, ये इधर चाय की दुकान का है? यहाँ पर चाय की दुकान, यहाँ से सीधे जाना शायद। ए दूर हट, दूर हट, नहीं तो भाटा मार दूंगा। अरे तू इधर है क्या? अरे मैडम ये मेरे भाई है, भूलने की बीमारी है इसको। ए आई लव यू बोल मेरे भाई को, बोल बोल। अरे नहीं ऐसा नहीं करते पागल। चाय की दुकान का बता रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर? कहाँ? अरे अरे भाई बहुत दिन बाद मिला यार, आज तो तुझको शायरी सुनाना पड़ेगा। शायरी सुना है? हाँ तो सुन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पैदल ही निकल जाते हैं ठेके की ओर जिनके पास कार नहीं होती। सुन रहे, उस दिन क्या बोल रहा था मेरे को? क्या हो गया बे? सुन रहे हल्का पतला समझना मत, धूल चटा दूंगा। अबे निकाल। रुक जा कल फिर आता हूँ मैं, रुक। The next अरे day. यार भाई अपन तो भाई है यार, दोस्तियारी में कहीं नहीं रखा ले, बोरकुट था। अच्छा अब सुधरा ना तू। अबे ये तो धूल है। बोला था ना बेटा हल्के पतले में मत लेना, धूल चटा दूंगा। चल अब इज्जत से रहना मेरे से, बड़े यहाँ से। बेटा खड़ा हो, कल स्कूल क्यों नहीं आया? सर कल रात में सपने में अमेरिका चला गया था। अच्छा ठीक है, तू क्यों नहीं आया? मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने गया। ओहो अच्छा, तू क्यों नहीं बता? मैं सर इसका बैग लेके गया था। देख लूंगा तुझे, जानता नहीं तू कौन हूँ मैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। यस सर। भाई तू उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, घर वाले मुझसे नाराज है। क्यों यार? कल मेरा और मेरे बड़े भाई का झगड़ा हो गया और मेरे मुंह से गलती से कुत्ता निकल गया। लेकिन भाई तूने मुंह में कुत्ता डाला क्यों? पापा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? पापा आपने अपनी शादी में मेरे को नहीं बुलाया था। पापा पगले, तू होने वाला था इसीलिए तो इस चुड़ैल से शादी की है। भाई बोल। तेरे भाई ने ना अभी अभी एक दिमाग में एक डायलॉग लिख दिया है। इरशाद कर दे। इरशाद कर दूं? इधर ही कर। इधर ही करता हूँ। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। साले ये तो धर्मेंद्र का डायलॉग है। कौन धर्मेंद्र? मैं ना जानता किसी धर्मेंद्र को। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, खुद लिखता हूँ। ये सरमनी वाली रोड पे भीख मांग रही है। तो क्या भीख मांगने के लिए ऑफिस खोलूं? सुनना। हाँ थोड़े पैसे की जरूरत है।
एक बार बोल तेरे को कितने पैसे चाहिए। रुक देख तो रुक रुक रख रख ले। अरे 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 वो गिर गया। उठा 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 ये ले ये। अरे 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 रख। अरे नहीं अरे रख ना तू। अरे रख ऐस कर आराम से। खूब घूम अफ्रीका चल जा। और देने की जरूरत नहीं है जल्दी से। ब्याज के साथ लूंगा। मसाज करवा लिए। एक्सक्यूज मी। यस। मेरे साथ मूवी चलोगी? दोनों हाँ दोनों। नहीं फिर तुम पास आने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं करूंगा। तुम हाथ पकड़ने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं करूंगा। तुम किस करने की कोशिश करोगे? अरे नहीं करूंगा यार। तो तेरी बहन को लेके जाना। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओ, तेरी बहन है ना, बता कैसे ठीक होगा तेरा मूड। बस एक और खा ले अब ठीक है। हेलो एम्बुलेंस। अरे यार मेरे दोस्त का एक्सीडेंट है को सेंट सेबास्टियन गार्डन के पास, जल्दी से आ जाओ। सर सेंट सेबास्टियन की स्पेलिंग लिखाइए। स्पेलिंग? अरे भाई साहब मैं घसीट के नेहरू गार्डन तक लेके आ रहा हूँ। नेहरू गार्डन की स्पेलिंग लिखो NEHRU। मेरी पत्नी पिछले 5 दिन से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कौन है बे? भाई तू उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, घर वाले मुझसे नाराज है। क्यों? यार कल मेरा और मेरे बड़े भाई का झगड़ा हो गया और मेरे मुंह से गलती से कुत्ता निकल गया। लेकिन भाई तूने मुंह में कुत्ता डाला क्यों?